सलमान हिंदुस्तान का रहवासी रहेगा और हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। इस तरीके से एक बार उन्होंने 5 साल का समय मांगा था और अब वो दोबारा से 5 मिनट की मांग कर रही है। मैडम, इस चीज से तो हम लोग बहुत आहत हुए। नए किसी ने 15 मिनट मांगा, उससे भी हमारा लेना देना नहीं। वो मुस्लिम नेता रहे कि और कोई रहे, इनको इतने जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। आप आमदार हो, कसम खाते हो ना, शपथ लेते हो, तो काय की लेते हो, 5 मिनट वाली शपथ लेते हो? और उल्टे सीधे उनका भाषण रहता हमेशा ना, कुछ जो है विवादों में वो रहती है हमेशा। अरे 5 मिनट की बात है ना, आने वाले इलेक्शन में हम इस 5 मिनट का है ना जवाब देंगे। अगला मौका फिर देंगे आप 5 साल का? नहीं, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। सर संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? बस नहीं है, काम काज नहीं किया। नहीं किया क्या है तू? पहली बात तो कौन से पार्टी में वो समझ में नहीं आता है। मुसलमानों ने भी उनको काफी वोट दिए जो है, वैसे वो पार्ट टू बन गया। उन्होंने 15 मिनट मांगा, इन्होंने 5 मिनट मांगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम मीरा रोड के नया नगर इलाके में उपस्थित हैं। इन दिनों मीरा रोड भाईंदर में जिस तरीके का माहौल बना है, हिंदू मुस्लिम की लगातार बातें हो रही हैं, जिस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां पर कुछ लोग उपस्थित हैं। बताते चले, टी राजा 25 तारीख को यहां पर आए हुए थे, उसके बाद यहां पर क्या कुछ माहौल है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही वर्तमान विधायिका जिस तरीके से 5 मिनट की मांग कर रही हैं, उस पर लोगों का क्या कुछ कहना है उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहां पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से अभी टी राजा का आगमन हुआ था 25 तारीख को, उसके बाद यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा है, आपको कहा दिख रहा है कुछ खराब हुआ? मुझे तो नहीं दिख रहा। वो आए आए और जिन्होंने उनको इनवाइट किए थे आए और चले गए। अगर वो मेरे को बोलते थे तो मैं भी मेरे ऑफिस में बुलाता था, इनवाइट करता था, क्योंकि बाहर से हर आदमी आने वाला मेहमान ही रहता है हमारा, तो मेहमान का स्वागत करना हर धर्म का फर्ज रहता है। तो वो आते तो हम भी उनका स्वागत ऑफिस में बुला के चाय पानी पिलाते। और ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, दो कम्युनिटी में ना कम्युनिकेशन गैप रहता है ना, कम्युनिकेशन गैप कि मैं मुस्लिम हूँ आप हिंदू हैं, तो जब तक मैं आपसे मिलता नहीं या आप मेरे से नहीं मिलते ना, तो हम सिर्फ हमारा धर्म भी देखते। लेकिन जब हमारी आपकी पहचान हो जाती है, हम साथ में चाय पीते, तो वो नफरत या द्वेष रहता है दिमाग में वो निकल जाता है ना। हमारे साथ हमको मिलते थे और हमको वक्त देते थे ना, तो शायद जो भी थोड़ा बहुत उनके दिल में मुसलमानों के लिए जो खटास है, कट्टरपन की जो भावना है उनके, वो निकल जाती। कहेंगे इस पूरे विषय पर जिस तरीके से टी राजा ने जो भाषण दिया है उसको किस तरीके से आप लोग लेते हैं? टी राजा हमारे देश के एक आमदार हैं इस वक्त हैदराबाद की जानिब से, और जिस तरह सभी का स्वागत किया जाता है उनका भी यहाँ स्वागत ही था, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक यहाँ डेमोक्रेसी, और यहाँ कोई ना किसी को आने से मना कर सकता है ना जाने से मना कर सकता है। ये एक रूमर था लोगों के अंदर कि भाई नया नगर के अंदर इस तरह की अफवाहें उड़ रही है टी राजा आएंगे। भाई वो आए, उनका काम है, वो अपने पार्टी के अपने उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लक्ष्य को लेकर आए, उन्होंने भाषण किया और यहाँ पर माहौल बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इंसान उससे खौफ खाता, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। भारत की खूबसूरती सौहार्द बना रहा। हाँ, भारत की खूबसूरती सौहार्द भी बना रहा। और अगर वो यहाँ पे आते तो मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि नए नगर के मुसलमान भी इनका स्वागत करते, क्योंकि वो इस वक्त जो संवैधानिक पद पे है उसका बहुत आदर है, उनको एनवलम दिया गया है। तो अगर वो यहाँ भी आते अपनी रैली को लेके, तो बिल्कुल हम भी उनको माला पहनाते और उनका स्वागत करते जिस तरह हम और हमारे नेताओं का करते हैं। मैडम, इस चीज़ से तो हम लोग बहुत आहत हुए। नए नगर के मैं समझता हूँ सैकड़ों लोग जो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, इन्होंने अकबरुद्दीन जो है ओवैसी वो पार्ट टू बन गया। उन्होंने 15 मिनट मांगा, इन्होंने 5 मिनट मांगा। हालांकि ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलता है, यहाँ पे ना किसी का राज चल सकता है ना किसी की राजशाही चल सकती है। और जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने स्वयं हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने खुद यहाँ पर रहने की बाय चॉइस उन्होंने इस ज़मीन को अपनाया। यहाँ हमारे बुजुर्गों की मज़ारें हैं, हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं, हमारा लाल किला है, हमारा ताजमहल है, हमारा कुतुब मीनार है, और हम और हमारी आने वाली नस्लें जो कयामत तक के या प्रलय आ गई है दुनिया में ख़त्म नहीं होती, मुसलमान हिंदुस्तान का रहवासी रहेगा और हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान हमारा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे विधायिका गीता जैन के विषय में, जिस तरीके से एक बार उन्होंने 5 साल का समय मांगा था और अब वो दोबारा से 5 मिनट की मांग कर रही हैं। कहा जाता है कि इस तरफ से आप लोगों की कम्युनिटी की तरफ से भी उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था, जिसकी वजह से वो चुनकर आई। हत्ती के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग रहते ना, तो
तो जो लोग हमारे कम्युनिटी से भी मुसलमानों ने भी उनको काफ़ी वोट दिए, मैं तो बोलता हूँ ना जीती है तो हमारे मुस्लिम वोट से ही जीती है। आप देखने जाएंगे सर्वे कर लो आप, आज वो किसी ने 15 मिनट मांगा उससे भी हमारा लेना देना नहीं, वो मुस्लिम नेता रहे कि और कोई रहे। और ये इनको इतने जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है 10 लोग को देख के, आप क्या हो, आप आमदार हो बराबर है, आप कसम खाते हो ना, शपथ लेते हो तो काय की लेते हो, 5 मिनट वाली शपथ लेते हो। और ये 5 मिनट की बात है ना, आने वाले इलेक्शन में हम इस 5 मिनट का है ना जवाब देंगे, कुछ मिनट में 5 मिनट का जवाब जब हम यहाँ के मुसलमान वोट देने जाएंगे, यहाँ के हिंदू भाई लोग भी वोट देने जाएंगे, क्योंकि उनका नाम है गीता जैन। गीता क्या सिखाती है, मिलकर रहना। हाँ, और जैन समाज क्या, वो भी आप देखो शांति, उनका जैन समाज का दूसरा नाम है शांति, शांति का संदेश देना। आप जाओ पियाऊ जो पानी पीने का, वो जैन समाज प्लेटफॉर्म पे जाओ बैठने के लिए जैन समाज, सब मतलब जैन समाज जो काम करता है वो भी बढ़ चढ़ के, मतलब वो जो जितना कमाते ना उससे उसका कुछ गुना तो वो अपने लोगों की सेवा में डालते हैं। हॉस्पिटल कह रहे हैं कि वो अपनी समाज की संस्कृति पर भी खरी नहीं उतर नहीं है। अभी मैं देखो आपको वीडियो बताओ, मेरे पास कल एक वीडियो आया, एक जगह पे बोल रही है कि मैं वो कौन सा उपवास के बारे में, तो मैं जैन हूँ मैं उपवास नहीं रखती हूँ, जो एकादशी का उपवास, हाँ एकादशी का उपवास मैं रखती नहीं है, मैं जैन हूँ, मैं आपके पास मेरे पास वीडियो है। फिर एक जगह पे उसका फोटो है कि उसने कोई मुस्लिम प्रोग्राम में गई थी, टोपी और उसने अपना क्या बोलते हैं उसको पहनते हैं मुस्लिम पोशाक उसने हाँ। और एक जगह बोलती कि मैं एक जगह पे कट्टर सनाते हाँ हिंदू शेर नहीं, अरे क्या है तू, पहली बात तो कौन से पार्टी में वो समझ में नहीं आता है, फिर ये सब इतने रोल है उसके वो समझ में नहीं आता है। आप उनके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, अस्तित्व पे नहीं, कैसा है कि आप क्या है, मैं बोलता हूँ ना आप मेरे को पूछेंगे आप कौन से पार्टी से जुड़े तो मैं उसका जवाब दूंगा, आप कौन से कम्युनिटी से मैं उसका जवाब दूंगा, बात समझे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज के तारीख में जो लोगों ने भरोसा करके उसको चुन के दिए थे तो आज वो शांति का पैगाम लाना चाहिए, तो ये नफरत का पैगाम दे रहे, इससे कुछ फायदा होने वाला ना, ऐसे कितने नफरत का पैगाम दे के ऐसे जो भाषण देती है, जैसा किसी है आएगी जाएगी आएंगी दिखाएंगे। समय के वर्तमान माहौल पर आपका क्या कुछ कहना है? एकदम शांत है। इस समय टी राजा आए थे, उसके बाद विधायिका गीता जैन के जो भाषण रहे उन विषय पर क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि सब शांति हुआ इधर पे, कुछ जरा भी झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम आराम से हुआ। 5 साल उन्होंने मांगा था, आप लोगों ने दिया, अब आप संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बस नहीं है, काम काज नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। अभी भी 5 मिनट मांग रही है? नहीं मांगना है, नहीं चाहिए भी नहीं हमारे को। क्या कहेंगे आप इस समय जो माहौल है, विधायिका गीता जैन के कामकाज से संतुष्ट हैं आप? नहीं। क्यों? कोई काम कौन सा काम किया उसने हमारे एरिया में? हमारे एरिया में कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया उसने? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। 5 मिनट मांग रही है वो, देंगे 5 मिनट? 5 मिनट 15 मिनट वो तो उनका मांगना है, हम काय को देंगे टाइम? एक बार 5 साल का समय मांगा था उन्होंने, अब 5 मिनट का समय मांग रही है, क्या कहेंगे? वो अपना समझे 5 मिनट 15 मिनट, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगला मौका फिर देंगे आप 5 साल का? नहीं देंगे बिल्कुल नहीं। भाईका गीता जैन ने एक बार 5 साल का समय मांगा, उसके बाद उनका विकास काम क्या बोलता है, क्या कहेंगे? गीता जैन जब से वो चुन के आए हैं तब से तो कोई अच्छा काम किया नहीं, सब उल्टा ही काम किए हैं, जो करना चाहिए वो किए नहीं अभी तक, और उल्टे सीधे उनका भाषण रहता हमेशा, कुछ ना कुछ जो है विवादों में वो रहती हमेशा। उल्टा सीधा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो लोगों को पसंद नहीं है वो बात बोलती हैं वो, जैसे अब जैसे अभी 5 मिनट का नाम आप लोग ने लिया, वो और भी ऐसे बहुत कुछ पहले भी बोली हैं कुछ। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से विधायिका गीता जैन से लोग साफ तौर पर धरातल पर खपा नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक संवैधानिक पद पर आश्रित हैं, मर्यादित तरीके से उन्हें कामकाज करना चाहिए, मर्यादित तरीके से उन्हें भाषण देना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने उन्हें चुनकर लाया है और किसी उम्मीद से लेकर चुना था, लेकिन अब वो उस उम्मीद पर खरी ना उतर कर अब पूरी तरीके से वो सिर्फ हिंदू शेरनी बनने की होड़ में लगी हुई है।
आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल विधायिका गीता जैन के खिलाफ धरातल पर लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।